श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आपके बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा, खेलने में मन ज़्यादा लगता हो, या बच्चे चिड़चिड़ा हो जाते हो, या आपका भी मन भगवान की सेवा में नहीं लग रहा हो, आप थोड़ी देर भगवान की भक्ति के लिए बैठे हैं और बार बार व्हाट्सअप, फेसबुक या यूट्यूब चेक करने लगे, या थोड़ी सी कथा सुनने बैठे और फिर मन भटकने लगे, या आपको पढ़ने का मन करे कि अब मैं रामायण पढ़ूंगी या भागवत पढ़ूंगी, और दो दिन लेकर बैठी लेकिन तीसरे दिन से मन में उच्छिष्ट आ गया कि कहाँ बैठ गई मैं, क्यों ये नियम ले लिया, या बच्चों को विद्या से मन हट जाए, तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि आप नौमुखी रुद्राक्ष को शहद में डालकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए, और जब आप सुबह में भगवान शंकर का पूजा करने के लिए जाते हैं तो उस शहद और रुद्राक्ष को साथ में लेकर जाएं। मंदिर में जाने के बाद रुद्राक्ष को शहद से निकालकर शंकर भगवान की जलाधारी पर रख दीजिए और उस शहद को शंकर भगवान के ऊपर चढ़ा दीजिए, और फिर उसी शहद को उठा लीजिए और फिर बाबा को शुद्ध जल से स्नान कराकर बाबा का पूजन करके दूध, दही या पंचामृत, जो भी आप समर्पित करना चाहते हैं, समर्पित करके रुद्राक्ष और शहद वापस लेकर आ जाए, और उसी शहद को आप मात्र 11 दिन तक चाटना शुरू कर दीजिए। आपको कोई नहीं कहेगा कि पढ़ने बैठो, आपकी चित्रवृत्ति विद्या में अपने आप ही लगने लगेगी। रुद्राक्ष शंकर भगवान का वो सुंदर अश्रु है जिसके बल पर जीव सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस उपाय का लाभ उठा सके, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।